तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कमेंट्स को। बेसिकली कमेंट्स का क्या पर्पस होता है? ये जो कमेंट्स होते हैं, या कोई भी आप कोड जिसको आप वंस कमेंट कर देते हैं, वो कोड आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, उसके बाद इन केस अगर आप क्या करते हैं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोर्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो आपका एक कोड है वो आप लिखते हैं, ठीक है, तो अगर तो आप उस कोड के ऊपर थोड़े से कमेंट्स को ऐड कर देते हैं कि आपने ये कोड किस पर्पस के लिए लिखा है, तो इन फ्यूचर आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 15 इयर्स, अगर आपको अगेन उस कोड के साथ कोई इंटरेक्ट करना पड़ता है, उस कोड को मॉडिफाई करना पड़ता है, तो अगर तो आपने इसके ऊपर कमेंट्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, तो इट मीन्स दैट कि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस कोड में आपने क्या काम किया है, और इसको आप अंडरस्टैंड इजीली करने के बाद आप उसके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका जो थ्योरी है उसको रीड आउट करते हैं, देन प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर सोर्स कोड। ओके, ये आपको आपका जो डिस्क ब्राउजर है उसके अंदर डिस्प्ले नहीं होंगे। ओके, कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड एंड मे हेल्प वेन यू रीड द सोर्स कोड एट लेटर आर लेटर डेट। मीनिंग टू से दैट, वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स, आप क्या करते हैं, आपकी बनी हुई कोई वेबसाइट है, आपका कोई बना हुआ सॉफ्टवेयर है, और आपने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखा हुआ है जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसके स्टेप्स के ऊपर आप कमेंट्स जो है वो ऐड करते जाएंगे, तो 20 साल बाद भी आप उसको रिव्यू करेंगे कमेंट्स को और कोड को, तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे और उसके ऊपर आप इजीली जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर्स। ये जो कमेंट्स हैं ये ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होते। अगर आपने ब्राउजर्स के, अगर आपने अपने किसी भी CSS के अंदर किसी भी कोड को कमेंट करना, तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, देन आपका पीस ऑफ कोड आएगा और उसके बाद स्टैरिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश। बिल्कुल इस एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है और स्टैरिक है, उसके अंदर दिस इज आर सिंगल लाइन कमेंट, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगेन स्टैरिक और अगेन फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरह से आप अपने कोड को कमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू आवर VS कोड और इसकी जो एग्जांपल है उसको रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास ये ब्राउजर में जी ये सारे का सारा जो हमने पिछली क्लास में लर्न किया था, ये एक स्ट्रक्चर पड़ा है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा कोई भी क्लाइंट है, इस एड के मुझे ये जो पैराग्राफ है ना इसका, ये तो इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना, आप इसके जो आपने इसके ऊपर स्टाइल इम्प्लीमेंट किया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे प्लेन पैराग्राफ चाहिए। तो क्या हम अगेन ये सारे का सारा जो स्टाइल आपने इम्प्लीमेंट किया है इसको रिमूव करेंगे? नहीं, प्रोग्रामर्स कभी भी ऐसा नहीं करते। प्रोग्रामर्स अपने कोड को कमेंट कर देते हैं। कैसे कमेंट करेंगे, चलते हैं VS कोड पे। ओके, यहाँ पे देखें, ये पैराग्राफ के ऊपर आपने जो स्टाइल लगाया हुआ है ये वाला है, ठीक है। अब CSS को कमेंट करने का प्रोसेस क्या है जी, आपने सबसे पहले क्या लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश देन स्टैरिक। ओके, और उसके बाद जहां तक आप कोड को कमेंट करना चाह रहे हैं वहां तक आपने ये सीक्वेंस दोबारा से रिपीट करना है, फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक, अगेन फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक। लेकिन अगर बात करें कि आपने HTML के अंदर किस तरह से कमेंट करना है, तो HTML के अंदर आपके पास, आप जस्ट लाइन पे जाके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, तो आपका जो कोड है, जो HTML कोड है, वो कमेंट हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट करने के लिए आपके पास ये एंगल ब्रैकेट है, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डबल हाइफन, सिमिलरली इधर भी आपके पास डबल हाइफन और राइट एंगल ब्रैकेट। तो HTML के अंदर अगर आपने कोई भी कमेंट करना है, कोई भी पार्ट, तो आप इस तरह ही इस मेथड को यूज़ करेंगे, जबकि CSS के लिए आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। आई होप कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद वीडियो के साथ, अगले लेसन्स के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।